इस टॉपिक के रिलेटेड मैं आज आपसे बात करूंगी। मैं स्टॉक ट्रेडर, मैं स्टॉक ब्रोकर, आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल बाखरे। आज हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोगों का एक ही दिमाग में होता है कि यहाँ से जो मैंने स्टॉक खरीदा है शीतल, ये ऊपर ही जाना चाहिए, यहाँ से ये स्टॉक कोई भी हालत में नीचे नहीं आना चाहिए। यस, एग्जैक्टली, सभी का यही विश होता है कि यहाँ से ये स्टॉक सीधा ऊपर जाना चाहिए। बट गाइज, एक चीज मुझे आप यहाँ पे बताइए, आप क्या स्टडी करते हो जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करने की कोशिश करते हो, या फिर स्टॉक, पहला स्टॉक अगर आपने खरीदा है तो वो याद करिए कि पहला स्टॉक आपने क्यों खरीदा था, किस तरीके से खरीदा था, किसी के बोलने पे खरीदा था या खुद स्टडी करके खरीदा था। मैं काफी सालों से स्टॉक मार्केट पढ़ाती हूँ, तब मैं जब मैं इक्विटी पार्ट पढ़ाने लेती हूँ तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन उन लोगों को पूछती हूँ कि ये 1 लाख रुपीज में अभी आप लोगों को दे रही हूँ, मुझे पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक में उनके साथ शेयर करती हूँ कि ये स्टॉक में मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं क्यों करूँ, ऐसे मुझे 5 चीजें बताइए। तो सबके आंसर्स होते हैं कि वो ए ग्रुप का होना चाहिए, उसका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। आई एग्री, बट ये चीजें आप देखोगे कहाँ पे, उसकी हिस्ट्री आप देखोगे कहाँ पे। पहले तो स्टॉक मार्केट की नींव होती है म्यूचुअल फंड, आईपीओ और इक्विटी, ये 3 कीज है स्टॉक मार्केट की, इसको पहले समझना बहुत जरूरी होता है। फिर आपको जब भी कोई शेयर्स खरीदना है तो उसका वैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है, उसका फंडामेंटल बहुत जरूरी होती है, उसकी हिस्ट्री बहुत जरूरी होती है, उसका प्रोडक्ट बहुत जरूरी होता है, उसका प्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर पर्टिकुलर कोई कंपनी है, वो कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है और एक ही प्रोडक्ट बेचती है, कंपनी का प्रोडक्ट वही है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, बट वो कितने दिन बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी तो एक ही स्टॉक में काम कर रही है ना, कंपनी तो दूसरा प्रोडक्ट अभी फिलहाल नहीं बना रही है, और वो प्रोडक्ट के कॉम्पिटिशन में अगर दूसरा कोई प्रोडक्ट आ गया तो ये कंपनी का प्रॉफिट तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ऐसी कंपनी हमें फंडामेंटली देखनी पड़ेगी, कंपनी का बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, कंपनी का प्रमोटर्स। अभी आप जब भी स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की कोशिश करोगे तो आपके सामने आएगा कि कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी है। अब प्रमोटर्स होते क्या है गाइज, आपको पता है प्रमोटर्स क्या होते हैं? अगर मुझे कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसमें से 50% शेयर मेरा होगा और 50% शेयर मैं आप लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। सो दैट इज कॉल्ड कि मैं 50% शेयर की होल्डर्स हो गई यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड ये मैं प्रमोटर्स हो गई और ये 50% हिस्सा मेरा है। अगर मैं बेच दूं, अगर मुझे लगे कि मुझे ये बेच देना है, मेरी कंपनी को लॉस होने की कोशिश में ज्यादा प्राइस बढ़े कम होने के चांसेस ज्यादा है, ऐसे टाइम पे अगर मैं बेच दूं तो डेफिनेटली वो स्टॉक नीचे आएगा। तो आपको प्रमोटर्स होल्डिंग्स देखना भी बहुत जरूरी होता है। फिर ऑपरेटर शेयर्स हो जाते हैं, तो ये फिर FIIs वालों की बाइंग आपको देखनी पड़ती है, फिर DI वालों की सेलिंग भी आपको देखनी पड़ती है। गाइस, समंदर है बहुत बड़ा, इसमें से आपको बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर मैं आपको बता दूं अभी कोई भी सेक्टर्स आपको खरीदने की, जैसे आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो आपके पास काफी सारे सेक्टर्स होना जरूरी होता है। एक सेक्टर्स में तो आप काम डेफिनेटली नहीं करोगे अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो, अलग अलग सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अभी अगर मैं सोचूं कि मुझे ऑटो सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, बट ऑटो सेक्टर्स में कौन सा प्रोडक्ट में, कौन सा कंपनी का शेयर्स में खरीदूं, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब उसमें से आपको नोन होता है हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर, मारुति, तो इसमें से कौन सी कंपनी का सेल्स ज्यादा है, कौन सी कंपनी आए दिन नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कोई डीजल कार लॉन्च कर रही है, कोई अपना एक पुराना प्रोडक्ट बंद कर रही है, कोई नई कंपनी लॉन्च करने की कोशिश में, कोई नया किसी के साथ टाइप करने की कोशिश में, ये सारी फंडामेंटल न्यूज होगी। फिर मुझे उसमें से अच्छा लगा मारुति का शेयर कि ये मेरे लिए नोन है, अब मैंने 3 ही नाम लिए बिकॉज वो आप सबके लिए नोन है। अगर आप देखोगे तो काफी सारे ऑटो प्रोडक्ट्स और आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएंगे, बट ये 4 कंपनीज, ये 3 कंपनीज मुझे नोन है। ये आप बच्चों को भी पूछोगे कि कौन सी गाड़ी आपको पसंद है तो बोलेंगे मारुति की ले लो, तो दैट इज कॉल्ड ये कंपनीज नोन है। तो वन मोर टिप्स मैंने आपको दी कि नोन कंपनीज आप खरीदोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
फिर कंपनी का कॉम्पिटिशन किसके साथ है और कितना है वो देखना जरूरी रहेगा अगर आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। फिर कंपनी की ग्रोथ कैसी है और फ्यूचर में ग्रोथ कैसे हो सकती है, कंपनी के पास एसेट कितना है, कंपनी का बैलेंस शीट टैली करिए, लास्ट कंपनी का अगर वैल्यूएशन निकालोगे आप कंपेयर टू वैल्यूएशन एंड बिजनेस प्राइस, ये बहुत जरूरी रहेगा अगर आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। स्मार्ट इन्वेस्टर बनना इतना इजी नहीं है गाइस, उसके लिए हम लोग सालों साल स्टडी करते हैं। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं भी रोज नई नई स्टडी करते रहती हूँ, मैं स्टॉक का बिहेवियर भी देखती हूँ, स्टॉक का साइकोलॉजी देखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आज का समझ लीजिए लास्ट मंथ एक्स वाई जेड शेयर आपको 3,000 रुपए में मिल रहा था और 20 दिन में वो शेयर आपको 2,000 रुपए में मिल रहा है, तो आप लोग क्या सोचोगे शीतल 1,000 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है खरीद ले। बट गाइस एक चीज का सोचो कि वो 1,000 रुपए कम क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसकी हिस्ट्री निकालिए, कई कंपनी का प्रोडक्शन तो नहीं खराब हो गया, कई कंपनी में कहीं बड़ा सा लॉस तो नहीं आ रहा है, कई कंपनी का मैनेजमेंट तो नहीं चेंज हो रहा है, बैंकर्स कुछ तकलीफ तो नहीं दे रहे, या बैंक लोन बढ़ गया है, या इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, बहुत सारे रीजंस रहेंगे वो कंपनी। फिर हो सकता है वो मुझे 1,500 रुपए में भी कुछ दिनों बाद मिले, तो मैं अभी 2,000 रुपए में क्यों उसे खरीदूं। तो ये सारा एनालिसिस जब आप सीखोगे तब आप स्मार्ट इन्वेस्टर डेफिनेटली बनोगे। तो बस बहुत छोटी छोटी चीजें आपको करनी है, पहले तो स्टॉक पहचानना सीख लीजिए कि मैं वो जो स्टॉक ले रहा हूँ वो परफेक्ट है या नहीं है। सबसे बेस्ट आप लोगों को हिंट दूं, आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कोई स्टॉक चूज करना है तो डेफिनेटली आपके घर में जो भी फीमेल्स हैं उनकी एडवाइस जरूर लीजिए। आप कभी फीमेल्स के साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो डेफिनेटली आप इरिटेड होते हो कि कितने शॉप्स ढूंढेगी, कहीं एक 200 रुपए 100 रुपए क्यों सोच रही है ले। यही गलती आप स्टॉक मार्केट में करते हो। आज अगर ये स्टॉक 100 रुपए महंगा मिल रहा है तो आप खरीदोगे, वही कोई फीमेल होगी तो वो बोलेगी नहीं रुक जाओ ये 100 रुपए आपको और नीचे मिल सकता है। दैट इज द ह्यूमन मेंटालिटी कि आप खरीद लोगे और हम लोग थोड़ा सा सोच विचार करके खरीदेंगे। कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो हम लोग ब्रांड देखेंगे, हम लोग 4 जगह उसकी प्राइस देखेंगे, हम लोग फ्लिपकार्ट देख लेंगे, हम लोग मिंत्रास देख लेंगे, हम लोग कहाँ वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम मिल रही है, वो प्रोडक्ट अगर 1,000 रुपीज में मिल रहा है तो वो वर्थ है या लेने के लिए, या फिर और थोड़ा डिस्काउंट आएगा तब मैं खरीदूंगी। ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट में भी काम करती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई फीमेल की एडवाइस लोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। तो बिजनेस मॉडल हमें देखना है, फंडामेंटल देखना है, हिस्ट्री देखनी है, टेक्निकल देखना है, वैल्यूएशन सबसे मेन रहेगा, बैंकर्स मेन रहेंगे, प्रमोटर्स मेन रहेंगे। इतनी सारी चीजों का अगर आप स्टडी करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली एक स्मार्ट इन्वेस्टर आप कहलाओगे। यही मैं आपके कोर्स में भी सिखाती हूँ। कोई भी आता है टेक्निकल सिखाते हैं, फंडामेंटल सिखाते हैं, भाई इतना इजी नहीं होता। पहले आप बेसिक तो सीखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, डे इंट्राडे क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शंस, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बेसिक में भी मिलती है, टेक्निकल में भी मिलती है, फंडामेंटल में भी मिलती है, इतना आसान नहीं है।